क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, ठीक है। 1995 में उसका वेतन है बच्चों 5000 रुपए, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी 1996 में उसका जो वेतन होगा वो हो जाएगा 5200, क्योंकि 200 रुपए की उसकी वृद्धि हो रही है, ठीक है। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, मतलब ऐसा कौन सा वर्ष है जब उसका वेतन 7000 रुपए हो जाए, ठीक है। हमें वह वर्ष ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये जो सीरीज बन रही है इस सीरीज से हम n का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों। a बराबर हो जाएगा 5000 और d बराबर हो जाएगा 5200 माइनस 5000 बराबर 200, ठीक है। और जो हमारा लास्ट में पद है वो है 7000, ठीक है। चूँकि आप जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d, an का मान है 7000, a का मान है 5000, n माइनस 1 और d का मान है 200। 7000 माइनस 5000 ये हो जाएंगे 200 n माइनस 1, ठीक है। 7000 में से 5000 जाएंगे तो 2000 बचेगा, 200 n माइनस 1, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कट गए और दो ढाई 20, यानी 20 10 बराबर n माइनस 1 और n का मान आ गया 11, यानी 11 सालों के बाद 11 वर्षों के बाद उसका जो वेतन है वो 7000 रुपए हो जाएगा। अब 11 वर्षों के बाद बच्चों 1995 प्रथम वर्ष है, इसमें जब हम 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 2006, ठीक है। यानी 2006 में उसका जो वेतन है वो 7000 रुपए हो जाएगा। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा, तो बच्चों अतः 11वें वर्ष के बाद उसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।